सिरमौर जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो जिला प्रशासन की चिंता बढ़ाए हुए है। जिले में कोरोना के मामलों की संख्या 400 का आंकड़ा पार कर गई है। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3 जनवरी तक सिरमौर जिले में मात्र 1 कोरोना का एक्टिव केस था, मगर मौजूदा में कोरोना के एक्टिव के मामलों की संख्या 419 हो गई है। उन्होंने कहा है कि जिले में पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच गया है। डीसी ने कहा है कि सरकार के निर्देशों के बाद सिरमौर जिले में कुछ बंदिशें लगाई गई हैं, जिसके मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। डीसी ने कहा है कि सिरमौर जिले में इंटरस्टेट 17 नाकों पर पुलिस व होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और बॉर्डर एरिया से गुजरने वाले सभी लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की जा रही है। सिरमौर जिला में अगर हम देखें तो हमारा जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, बड़ी तेजी से जो है वो फैल रहा है। अगर आप पीछे ध्यान देंगे तो 3 जनवरी तक हमारे सिर्फ 1 केस था, और 3 जनवरी से लेकर आज 12 जनवरी तक जो है 419 एक्टिव केसेस हमारे ज़िला में पाए गए हैं। और जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो भी हमारा 10% के आसपास जो है डेली रह रहा है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि बड़े तेज़ी से जो है वो कोविड-19 इन्फेक्शन ज़िले में फैल रहा है, और इसी कोविड इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए जो कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई थी उसको ज़िला सिरमौर में भी लागू किया गया है। जैसा कि हमारा कर्फ्यू है, 10 से लेके सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का आर्ज है। उसके बाद हमने मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन की है, जिसके तहत जो है हमारी मार्केट 9 बजे से लेके 6:30 बजे तक सारे सोमवार से लेके शुक्रवार तक खुलेगी, और सैटरडे को 9 बजे से लेके 5 बजे तक की हमारी मार्केट जो खुलेगी। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें हैं वो मॉर्निंग में जो है वो जल्दी आफ्टर कर्फ्यू आवर्स खुल सकती हैं, और 6:30 बजे लेकिन वो भी बंद हो जाएगी। जहाँ तक फार्मेसीज वगैरह का फार्मास्यूटिकल्स का क्वेश्चन है, और साथ में जो मोटर मैकेनिक की शॉप्स हैं वो जो है हमारी कर्फ्यू आवर्स तक जो खुली रहेंगी, और उसके बाद ही वो बंद होंगी। और ढाबाज रेस्टोरेंट का भी हमने थोड़ा रेगुलेट किया है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कई बार सोशल गैदरिंग के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उसको भी रेगुलेट किया है कि 7:30 तक हमारा जो है वो वहाँ पर इन हाउस सिटिंग हो सकती है रेस्टोरेंट ढाबाज में। उसके बाद जो है टेक अवे सर्विसेज हमारी टिल कर्फ्यू आवर्स जो है वो हमारी वहाँ पे उपलब्ध रहेगी। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन हमने लगाए हैं। मेरी लोगों से यही अपील है कि आप भीड़ भाड़ इलाके में मत जाएं, और मास्क का प्रयोग जरूर करें ताकि जो है आपका बचाव हो सके और इन्फेक्शन जो है आपके घर तक ना पहुँच सके। बॉर्डर एरियाज में हमारे, जैसे मैं पहले भी बताया था कि 17 हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमने सफिशेंट नंबर ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं, होम गार्ड्स हैं, वो डिप्लॉय किए गए हैं, और वो कर्फ्यू आवर्स में सभी को चेक करते हैं, और जो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको फॉलो करने के बाद ही लोगों को वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।